इसको छोटा करूँ, ये देखो, या इसको लंबा करूँ, ये देखो, इसको छोटा करूँ, ये देखो, लंबा करूँ, ये देखो, तुम्हारी हाइट एडजस्टमेंट मेरे हाथ में है। और पहली चीज की मैं प्यारी के साथ क्यों मतलब उनसे बात करूंगी जबकि मेरे को पसंद ही नहीं है कि आप दोनों ब्लॉग्स बनाओ। एक और कंट्रोवर्सी शुरू कर दी तुमने। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। तो आज जैसे कि आप मुझे देख रहे हो कि मैं अपने नए ब्लॉग के साथ आया हूँ, तो बड़े दिनों से देखा मैंने आप लोग प्यार नहीं दे रहे, तो मैं सोचा आज कुछ स्पेशल करता हूँ मैं आपके लिए। स्पेशल क्या करता हूँ, फिलहाल तो मुझे पहले मुस्कान ने फ़ोन किया, उसने मुझे बोला कि मतलब उनसे मुझे कुछ बात करनी है, तो अब बात मुझे नहीं पता क्या है, उसने मेरे को बुलाया तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पास जाके उससे पूछते हैं बात और आपको भी बताते हैं ऐसी क्या बात है जो मतलब वो फ़ोन पे नहीं बता सकती। तो मैं स्पेशल अब उससे मिलने जा रहा हूँ, मैंने ब्लॉग शूट नहीं करना था लेकिन अब मैंने सोचा कि वो आ रही है तो फिर मैं ब्लॉग शूट कर ही लेता हूँ, तो इसलिए हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइज अब आप ब्लॉग को पूरा प्यार देना यार, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, 10K कर दो यार, सॉन्ग आने वाला 10K कर दो। गाइज जैसा कि हम पहुँच चुके हैं क्यूट गर्ल मुस्कान के पास, तो ये कुछ कह क्यों नहीं दिया, बड़ी जल्दी आए हो ना आप, कुछ कहूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है तुमने 4 घंटे वेट नहीं किया अभी, सिर्फ मैं 5 मिनट लेट हूँ। 5 मिनट नहीं हो, ठीक है, और मेरे को कब बोला था टाइम देखो आप पहले। अच्छा तो क्या, अगर अगली बारी मैं आपको बुलाऊंगी ना तो प्लीज टाइम पे आ करो, अगर मैंने आपको भी टाइम दिया तो मैं भी उसी टाइम पे आ रही हूँ, इतना तो देखा करो। गाइस इसको छोटा करूँ, ये देखो, गाइस इसको लंबा करूँ, ये देखो, इसको छोटा करूँ, ये देखो, लंबा करूँ, ये देखो, तुम्हारी हाइट एडजस्टमेंट मेरे हाथ में है, व्लॉग में देखना। अच्छा क्या बात करनी है बताओ ना, अब नहीं करनी है, बताओ यार क्या बात करनी है। चलो फिर मैं तुम्हें अपनी एक जगह लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे गाइस को तो पता है वो जगह कौन सी है, तुम्हें बताता हूँ मैं कौन सी है। चलो फिर गाइस वहाँ जाके मिलते हैं। मेरी फेवरेट प्लेस, कैसी लगी आपको ये प्लेस? मैं यहाँ पे अभी आई थी थोड़े दिन पहले, तो मेरा इतना मन कर रहा था नहीं यार, फिर मैं लेके आ गया। हाँ और क्या, ऐसे किसके साथ, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ इस साइड बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना यार, रिस्पेक्टेड सीट दे रहा हूँ मैं आपको, फिर भी आपसे बैठा नहीं जाता। बैठो आप जी, बैठ गया, अब आप अपनी बात बताएंगे, जब कर रही है तुम्हें दिल्ली। हाँ तो क्या बात करनी बताओ यार, मैं आपको बोलना था, कुछ बताना था आपको। एक मिनट, चल बता यार, आपको पता है मैंने आपको ना पहले वाले जो हमने ब्लॉग बनाया था उसमें आपको भैया बोल दिया था। नहीं ना मतलब वो तो क्योंकि आपकी एज बड़ी है, तो मेरा ऐसे मतलब जो मेरे से बड़े होते मैं उनको भैया बोल देती हूँ, बट मैं बोल रही थी कि कुछ नहीं, मैं बता रही थी कि अगर हम मतलब भाई बहन के अलावा फ्रेंड्स से ज़्यादा, अगर हम मतलब मैं आपको भाई बोलूँ ना तो आप वो मत समझो कि मैं आपको भाई मानती हूँ, और आप मेरे को बहन मत बोला करो। मैं क्या बोलूँ, क्यूट गर्ल मुस्कान, बोल लो क्यूट गर्ल बोल लो,
आपको इतनी समझ तो आनी चाहिए ना मैं आपको कि मैं अभी किस बारे में बात कर रही हूँ आपसे इतने टाइम से। मेरे को समझ आती होती तो मैं इधर होता, ब्लॉगिंग कर रहा होता, पढ़ लिख के ऑफिसर नहीं बन गया होता अभी तक। और पहली चीज कि मैं पियाली के साथ क्यों मतलब उनसे बात करूंगी जबकि मेरे को पसंद ही नहीं है कि आप दोनों ब्लॉग्स बनाओ। एक और कंट्रोवर्सी शुरू कर दी तुमने। क्या आप दोनों पहले बहुत चल रही है मेरी, जो भी आप समझो पहले मेरी कुछ अपने बंदों से के साथ चल रही है कंट्रोवर्सी। वो आपकी कंट्रोवर्सी मेरे को नहीं पता, बस मैं आपको ये बता रही हूं कि मेरे साथ भी चला दी तुमने आज। ओ भाई मेरे को मेरे घर वाले नहीं पसंद करते यार, तुम पता नहीं कैसे कर लेते हो। बट अब वो तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे में क्या चलता है तुम्हें विदाउट रीजन यू लव मी। वाओ वैसे अच्छी बात है यार, प्यार इस दुनिया में ना हम इंसानों को सबसे करना चाहिए। हाँ तो अगर अब हो जाए किसी को तो फिर वो क्या करे, अगर वो आपको अपनी बात बता रहा है तो फिर अगर आपको अपनी बात बताना है तो फिर मैं उसकी फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करूंगा कि उसने मुझे बता दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने दिल में ही रखते हैं और जो दिल में रखते हैं वो अच्छा नहीं होता है। उसने मुझे बता दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों रिलेशन में आएंगे। वो यार देखो ना एक कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं, अगर मैंने देखा होता तो फिर वो भी बात थी, बट मैंने कभी देखा ही नहीं ना मैंने कभी सोचा उस बारे में कि मैं तुम्हारे साथ कभी रिलेशन में आऊँगा, क्योंकि तुमने जिस दिन मेरे को भाई कहा था ना तो मैंने उस दिन तुम्हें अपनी बहन मान लिया था। बट आज अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। नहीं यार ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। एक मिनट यार, तुमने खुद मेरे को भैया बोला था तुम ऐसे इमोशनल ड्रामे नहीं करो मेरे साथ। यार ड्रामे आपको ड्रामे लग रहे हैं फिर मेरे, फिर मैं क्या बोल सकती हूँ आपको, बट ये ड्रामे नहीं है। क्या फिर मुझे नहीं पता, ड्रामे नहीं है बट ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ मैंने भैया इसलिए बोला था क्योंकि आप मेरे से बड़े हो, और ऐसे भी तो अविनाश भी हो गए या कोई भी मेरे से बड़ा होता है आपको पता है मैं उन सभी को भैया ही बोलती हूँ। यार एक इमोशनल लड़की कुछ हैंडल करना मेरे को नहीं आता भाई, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। चलो ठीक है रहने दो। क्या रहने दो ठीक है, आपको कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर मैं यही बताने आई थी। यार तो मतलब इतना बड़ा शौक देने के लिए तुमने मेरे को बुलाया था, मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाना यार, मैं सच में मुझे लगा तुम्हारे साथ जाऊंगा कि घूमने आगे पीछे बस ब्लॉग बना लूंगा, लेकिन आज भी ब्लॉग ही बनेगा। बहुत दुख हो रहा है यार, बट ब्लॉग तो बन गया। हां बना ब्लॉग तो बन गया आपका। हां बना, तो मैं बना रही हूं। वो देखो यार आपको मैं भैया बोलती हूँ तो आप कुछ सोचो मैं ऐसे कैसे बोलूंगी दोगी। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। रहने दो मेरे पे, बड़ी देर से कहना चाहता था मेरी बात, मेरे पे सुनो तो सही यार, कुछ नहीं कहना चाहता था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है यार। क्या बया कर मेरे को पता है क्या क्या नहीं है ठीक है। भाई लोग सुनो यार, कैमरा मैं बता। तो गाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं मुस्कान के लिए क्या फील करता हूँ। गाइज झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे भैया और मैं इनकी बहन हूँ, और बाहर में गई भैया मुझे पता, मैं ये मेरे भैया यार चुप करो आप, बाहर में गया भैया, आई एम हर सैया। जैसा कि अब आप देख सकते हो मुस्कान करती मेरे से प्यार, जो मैंने नहीं की एक्सेप्ट, उसने बोल दिया ये है प्रैंक। ओ यार चुप करो, वो मेरे को भैया से सैया बनाना चाहती थी लेकिन वो नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं उसको सैया से भैया, आई मीन भैया, मैं उसका भैया से सैया बन जाऊंगा। भैया भैया हाय भैया, ये मेरे नहीं क्यों यार, हम दोनों देखा हमारी हाइट भी मैच करती है, हम दोनों की हाइट भी सेम है, सही लग रहा हूं मैं आगे दिखाना यार। बड़े अच्छे लग रहे हो आप, बंद नहीं करना यार, रुक जा बात कर। गाइस देखो ये जो मुझ भैया ना ये हो गए हम पागल, क्योंकि ये लेते हैं प्रियंका का बदला वो भी उसी टाइम, ठीक है ऐसे कोई भी नहीं करता, ऐसे सभी को पता चल जाता है कि प्रियंका हो रहा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है उसका क्या, मैं क्या करूं, चुप करो, मेरे को भी बता, मेरे को बहन मानते हो? मैं नहीं मानता, बहन मानते हो, मानते हो, बहन बहन हूँ मैं आपकी, बहन नहीं है हूँ मैं, मैं बहन बून वाला हूँ ही नहीं, मेरे को बहन चाहिए नहीं। क्यों? आई डोंट लाइक बहन। क्यों? बहन नहीं बहन, वही सिस्टर्स। बट आई एम योर सिस्टर, आई ओनली लाइक गर्लफ्रेंड्स, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? नो, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? आई एम योर सिस्टर एंड यू आर माय ब्रदर एंड दैट्स इट। कैन यू प्लीज शट अप? नो आई डोंट वांट टू शट अप, नो आई डोंट वांट टू। थोड़ी दिखी कोई चक्कर नहीं यार, देखो बाकी गाइस जिनको बड़ी टेंशन है हमारी शक्ल ठीक है, जैसे कि मैंने आके लेके भी तो देखो बबला जाए हो तो यही है। चलो वो तो ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो,
फिर क्या सोचा हमारा लव अफेयर का क्या हुआ, कहाँ पहुँचा वो? कौन सा लव अफेयर? हम तो भाई बहन है, हम रक्षाबंधन मनाएंगे गाइस, हम नहीं गाइस मैं कोई रक्षा नहीं करूंगा इसकी, सीधी बात है। करोगे या अकेले करोगे गाइस? पति बन के नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप मेरे भाई बन के नहीं, पहले बॉयफ्रेंड बन के रक्षा करूंगा। नहीं 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 गाइस, आपको पता है मैं इनको राखी बांधूंगी, फिर ये मेरे को पैसे देंगे और फिर मेरी रक्षा। फिर तो मैं कभी रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहता गाइस। तो जैसा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ठीक है, वैलेंटाइन डे वाले दिन ब्रेकअप कर लेंगे। गर्लफ्रेंड है उसका नाम मैं बड़ी जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, तो गाइस प्लीज सपोर्ट करते रहो। आप इस व्लॉग को अगर 100 के व्यू दे दोगे ना, मैं बता दूंगा नाम। इन्होंने देना नहीं, मैंने बताना नहीं, सीधी बात है, बात खत्म। तो गाइस अभी हम एक गाइस करा दो यार, सीधा करने दो कैमरा चल जाएगा इनकी। गाइस जैसा कि आपने देखा कि इसने मेरे साथ प्रैंक किया और मैंने उसी टाइम इसके साथ रिवेंज भी ले लिया, तो ये पूरी ओके हो गई थी ना। और गाइस कोई प्रैंक प्रूव नहीं था ये, सच में मेरे को लाइक करते नहीं गाइस। नहीं ये मेरे भैया, चुप करो आप, कोई प्रैंक मारने गई भैया यार, प्रैंक भैया नहीं होता, प्रैंक कर रही थी मैं बनता ही भैया, मुझे पसंद नहीं भैया। कैसा लगा आपको प्रैंक? क्या बात, क्या बात कर दी यार, हमारे बच्चे होंगे प्रैंकर के साथ। प्रैंकर मैं खुद बच्चा हूँ यार, अभी प्रैंकरों के साथ गोरे बच्चे होंगे। अच्छा तो गाइस जैसा कि आपने देखा पूरे ब्लॉग में इसकी मैंने क्या हालत की और इसने भी मेरी शुरू में क्या हालत की, मैं सच में डर गया था, मैं क्या पता सच में लाइक करती हूँ, मैं क्या करूंगा गाइस। नहीं वैसे तुम अच्छी लड़की हो, क्या हुआ मैं सोच लेता था। प्रैंक बन गया यार, चल ठीक है। तो गाइज इस व्लॉग को मैंने जितना बोल दिया 100 के दोगे तो मैं गर्लफ्रेंड का नाम बताऊंगा, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर करना, और तुम भी बोल दो कर देना जो भी उन्होंने बोलना वो सब कुछ कर देना। हां ठीक है, लाइक करा देना, ऐसे ही प्रैंक करते रहना वैसा, ठीक है। आई लाइक योर प्रैंक्स भैया, फेमस हो जाए ना। हे गाइस तो हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। भाई की वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या बात है यार, इतना तूने बोल दिया, मुझे लगा तू इधर बहू ब्रदर में गफ्फे देने के लिए मशहूर है, लेकिन तू भाई की तारीफ कर रहा। थैंक यू सो मच गाइस।